हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क कि रिस्क की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है इंश्योरेंस में यानी कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिस्क के तो आइए शुरू करते हैं रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज़ जो रिस्क है उसको फॉलोइंग कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है पॉइंट नंबर वन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क पॉइंट नंबर टू प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क पॉइंट नंबर थ्री डाइनमिक रिस्क एंड स्टैटिक रिस्क पॉइंट नंबर फोर फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क यानी जो रिस्क है इंश्योरेंस में उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पहला है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क अब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है फाइनेंशियल रिस्क आर दोज रिस्क हु आउटकम कैन बी मेजर इन द मोनिटरी टर्म फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होती है जिसकी आउटकम जिसकी रिजल्ट या जिससे हमें जो नुकसान हमें होगा उसका जब मोनिट्री टर्म में मेजरमेंट होगी यानी इन मनी मनी वैल्यू में मेजर होगा तो उसे क्या कहेंगे फाइनेंशियल रिस्क फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी अगर हमें लॉस होगा प्रॉपर्टी का तो इसको हम फाइनेंशियल टर्म में मेजर कर सकते हैं लॉस ड्यू टू थेप्ट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ कन्वेल लॉस पॉलिसी पर्सनल इंजरी टू द पर्सन केस ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी इन ऑल दिस दिसशन द आउटकम ऑफ रिस्क सिचुएशन कैन बी मेजर इन द मोनीटरी टर्म यानी फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क है जिसकी आउटकम जिसका रिजल्ट फाइनेंशियल टर्म में मोनिट्री टर्म में मेजर किया जा सके उसे क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है नॉन फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होती है जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं जैसे रिस्क ऑफ रेस्पेक्ट हो गया रिस्क ऑफ लॉ हो गया तो इनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसे क्या कहते हैं नॉन फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होगी जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल रिस्क वो होगी जिसको हम मॉनेटरी uh, टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं पॉइंट नंबर टू प्योर रिस्क प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क अब प्योर रिस्क क्या होता है प्योर रिस्क वो रिस्क होती है जिसमें हमें चांस होता है कि हमेशा हमें लॉस ही होगा उसमें कभी प्रॉफिट नहीं होगा रिस्क विच कैन बी प्रोड्यूस ओनली लॉस जो रिस्क लॉस प्रोड्यूस करे उसे क्या कहते हैं प्योर रिस्क आ टर्मिन इज ए प्योर रिस्क देर इज़ ए नो चांस ऑफ प्रॉफिट इन सच रिस्क प्योर रिस्क में हमें कभी भी प्रॉफ़िट नहीं होता या तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट होगा या हमें लॉस होगा उसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं होता इट इज़ सिचुएशन वेयर दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड नो लॉस प्योर रिस्क क्या होता है प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें हमें हमेशा लॉस होगा या ब्रेक इवन होगा लॉस होगा या नो no लॉस होगा तो उसे क्या कहते हैं प्योर रिस्क इसमें कभी भी हमें प्रॉफिट नहीं होता और स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क होते हैं जिसमें हमें चांस होता है कि लॉस भी, भी, भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है और ब्रेक इवन भी हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ़ प्योर रिस्क जो प्योर रिस्क है उसको फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है इसमें आता है पर्सनल रिस्क प्रॉपर्टी रिस्क और लाइबिलिटी रिस्क पर्सनल रिस्क में प्रेमेच्योर डेथ पर्सनल रिस्क को भी चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्रेमेचोर डेथ ओल्ड एज सिकनेस और डिसेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉपर्टी रिस्क जो है प्रॉपर्टी प्योर रिस्क है जो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी और उसके बाद प्योर रिस्क लाइबिलिटी यानी प्योर रिस्क को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पर्सनल रिस्क प्रॉपर्टी रिस्क और लाइबिलिटी रिस्क तो ये था प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क प्योर रिस्क वो हो गया जिसमें हमें लॉस ही होगा या ब्रेक ही वेन होगा और स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें हमें चांस है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है पॉइंट नंबर थ्री डायनमिक एंड स्टैटिक रिस्क अब डायनमिक और स्टैटिक रिस्क क्या होता है डायनमिक रिस्क आर दोज रिस्क इन इन नेचर ऑफ स्पेकुलेटिव रिस्क डायनेमिक रिस्क जो होती है वो स्पेकुलेटिव रिस्क की तरह ही होती है दिस रिस्क आर द आउटकॉम ऑफ चेंज इन टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी ड्यू टू जब कोई सोसाइटी में चेंज आती है ये रिस्क कब ऑकर होती है मतलब कब कब आती है जब सोसाइटी में चेंज होती है किसके थ्रू इकोनॉमिक के थ्रू, थ्रू? सोशल टेक्नोलॉजी इन्वामेंट पोलिटिकल चेंजेस जब यह जब इकोनॉमिक चेंजेस आती है सोशल चेंजेस आती है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती है इन्वामेंटल और पॉलिटिकल चेंजेस आती है तो उससे क्या होता है उसे क्या कहा जाता है इन कारणों से जब रिस्क होती है उसे क्या कहा जाता है डायनेमिक रिस्क अब स्टैटिक रिस्क क्या होता है स्टैटिक रिस्क आर दोज रिस्क विच एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ डायनेमिक रिस्क यानी वो रिस्क जो एग्जिस्ट करती है विदाउट डायनेमिक रिस्क की उसे क्या कहाता है स्टैटिक रिस्क दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इस वीडियो में आपको बताया था डायनेमिक रिस्क और स्टैटिक रिस्क में डिफरेंस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन से देख सकते हो आप वो वीडियो यहाँ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा तो वहाँ से भी देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे पॉइंट नंबर फोर फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क अब फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क क्या होता है पॉइंट नंबर फोर क्या है फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क फंडामेंटल रिस्क आर दोज रिस्क दैट अराइज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल और इवन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फंडामेंटल रिस्क वो रिस्क होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को इंडिविजुअल से कंट्रोल नहीं हो पाती यानी वो आउट ऑफ कंट्रोल है वो कभी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है उसे क्या कहा जाता है फंडामेंटल रिस्क द इफेक्ट ऑफ सच रिस्क इज़ फेल्ट बाय द लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जब ये रिस्क होती है तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ लोग जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है असर करती है लार्ज नंबर ऑफ लोगों पर दिस इंक्लूड लॉस इन द अर्थ कोईक सपोज अर्थ आ गया फ्लड आ गया वॉल आ गया अदर डिज़ास्टर आ गए तो ये इनसे क्या होगा इनसे जो भी रिस्क होगी वो इंडिविजुअल के अनकंट्रोल है मतलब इंडिविजुअल कभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है तो इसको क्या कहा जाता है फंडामेंटल रिस्क इवन द सोशल चेंजेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन वार आर आल्सो आउटकम इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल रिस्क इन द कंट्रास्ट द फंडामेंटल रिस्क द पर्सनल रिस्क आर और मोर मोर ऑफ पर्सनल नेचर बोथ इन केस ऑफ द इफेक्ट दीज these include many types of risks such as fire theft work related to the injury and motor accident all these risks are arise from the individual causes and affect the individual in the occurrence it is the interesting note that the above mentioned classification of risk are not water classification these द रिस्क क्लासिफिकेशन में अंडर गो चेंजेस ड्यू टू द लेजिस्लेटिव मेजर्स टेक बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री फॉर एग्जाम्पल इन मनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फंडामेंटल रिस्क आर रिलेटेड टू द रिकॉर्डेड एंड नॉट इंश्योरेबल बट द यूनाइटेड किंगडम दे आर इंश्योरेबल तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया फंडामेंटल रिस्क और पर्टिकुलर रिस्क फंडामेंटल रिस्क वो रिस्क होगी जो इंडिविजुअल को कंट्रोल नहीं कर सकता है और पर्टिकुलर रिस्क वो होती है जो इंडिविजुअल के कंट्रोल में होती है इस वीडियो में हमने आपको चार तरफ के क्लासिफिकेशन बताए पहले फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क वो हो गया जिसको हम मॉनिटरी टर्म में मेजर कर सकते और नॉन फाइनेंशियल रिस्क हो गया जिसको मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता प्योर रिस्क वो हो गया जिसमें हमें कभी भी चांस नहीं होता कि हमें प्रॉफिट होगा उसमें या लॉस हो सकता है या नो no लॉस हो सकता है और स्पेकुलेटिव रिस्क होता है उसमें हमें लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है और ब्रेक इवन भी हो सकता है डायनेमिक रिस्क वो होती है जो इन्वामेंटल पोलिटिकल चेंजेस की वजह से आती है और फंडामेंटल रिस्क क्या होती है जो जिसको इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता यहाँ और पर्टिकुलर रिस्क वो वो रिस्क होती है जो इंडिविजुअल के कंट्रोल में होती है तो ये चार तरफ के क्लासिफिकेशन हमने इस वीडियो में आपको बताए तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत